हमारे जो ये अपने हमारे भाई है, मित्र है, बहुत ही प्यारे एंड वेरी लवेबल पर्सन जो हमारे प्रवीण सक्सेना जी का है, वो यहाँ पर आज चाहे वो डैम, आज यहाँ पर ये ट्रांसफर हो गया इनका ऋषिकेश में, तो हमारे पास में इतने हम इनको थोड़ा सा चाय दे रहे हैं, चाय का से हम इनको बेस्ट विशेष दे रहे हैं। तो हमारे पास में हमारे साथ आर के भट्ट साहब भी है और देर आर सो मेनी वेरी वंडरफुल बॉयज, ये तो सबसे यंगेस्ट बॉय है हमारे पास में, मनीष बकोलिया जी, मुकुल शर्मा जी, एंड देन अपने जो मित्तल साहब है, राजवीर सिंह साहब है, नेगी साहब द ओल्ड मैन, ओल्ड मींस हियर और नॉट ओल्ड मैन दैट हु हैज गॉन टू द 55th फ्लोर, और अपने दूसरे भाई अपने जो जोशी जी है, रोहित जोशी द एंकर मैन हियर। तो हमने ये बोल दिया भाई कि हम इसमें एक हम तो इनको बेस्ट विशेज तो कर रहे हैं, बट देयर इज अ वेरी with a heavy heart we are just bidding him farewell, and then we never wanted that he should go, but the call of the duty is to be there. We were requesting our big man, the leader here in the 6th floor at Kaushambi thermal office. We are incidentally building that Khurja super thermal power project. So but sab ko hum bol rahe the ki do shabd jo kyunki there has been a very very long association between this wonderful person Saxena sahab and then Bhatt sahab, and for the last 22 years, and you just see that 22 years a very big time. So ye sahab thoda sa, it's not only a question of time, you know, it has been an eventful time. Baad mein you have to defer it for some time because you have to bataiye sir, yeah, it's not question of only the time, khada ho gaya time hai nahi sir, acha years have been very eventful, ek sabko dena hai that way, you have to rotate it. I tell you, I remember the period जब हम लोग स्पिलवे में हुआ करते थे, स्पिलवे वाज़ द क्राइसिस, सो एमएल गुप्ता एज अ चेयरमैन, ही वाज़ वेरी डिस्टर्ब्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ही वाज़ ऑफ दिस व्यू कि भाई मेरा स्पिलवे शाफ्ट प्ले, आई बिलीव अंडरग्राउंड शाफ्ट प्ले वाज इन क्राइसिस, सो देयर वर पीपल हु वर रियली स्केयर्ड ऑफ दैट। आप लोगों को तो पता ही होगा शायद, कुछ लोग बाग घबराए हुए थे काफी सारे उस सिचुएशन, इट वाज नॉट वर्किंग, तो सिलेक्ट किया गया स्पिल में जो अपना है, सच अ बिग चैलेंजिंग जॉब, इट वाज अ चैलेंज सर्वाइवल ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द चैलेंज टू द नेशन फॉर द टेरी डैम प्रोजेक्ट। तो उसमें मुझे एक चलता रहा एंड ही हैंडल्ड सकना साहब को द वंडर विद ऑल हिज कूलनेस, ही हैंडल्ड द सिचुएशन। तो मुझे एक जोक कम इंस्पायरिंग बात भी आ जाती है, तो एक बार वहां पे जो हमारा एक था किरण भाई, जो प्लग बन रहा था, लास्ट आई रिमेम्बर प्लग बन रहा था, एंड उसमें गेट वेट आप लोगों को बता रहा, गेट एक हुआ था दैट वाज लीकिंग। अब क्या हुआ साहब, इट इज देयर वाज अ रूमर्स इन द प्रोजेक्ट एंड द अप्रिहेंशन द प्रोजेक्ट ये लीक हो जाएगा, गेट टूट जाएगा, लाइक दैट वी आर कॉन्फिडेंट नथिंग इज गोइंग टू हैपन एज फार एज ही वाज कंसर्न और आई एम कंसर्न, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई विल कंट्रोल द थिंग्स। फिर कुछ लोग, कई लोग जो डिस्टर्ब होते थे उनको मतलब उन्होंने जोक में एक बार उनको बता दिया था, इट वॉज इंस्पायरिंग द पीपल, कहता यार अगर पानी आता देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट विल बी द वेरी इजीएस्ट थिंग टू हैंडल बिकॉज देयर विल बी नो वरी, नो पेन, नो नथिंग विल रिमेन। एनीवे दैट वाज अ जोक एंड इट रियली गेव द स्ट्रेंथ टू द टीम, केम आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट वाज कमीशन। उसके बाद भी कई सारे इश्यूज है, आर्बिट्रेशन वगैरह हमने जो हैंडल करे जॉइंटली, वी फॉट बट सर्टेन इश्यूज ऑन प्रिंसिपल्स एंड इनवेरिएबली गॉट सक्सेस। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट स्टिल आई शुड से रीजनेबल सक्सेस वाज ऑलवेज अवेलेबल, हम गॉट इट। फिर वी जॉइंट थर्मल, तो थर्मल में प्रैक्टिकली देयर वाज नॉट अ पेपर ऑन, नॉट इवन अ सिंगल पेपर व्हिच वाज अ थर्मल एक्सेप्ट देयर वी हैड एन एमओयू, एक्सेप्ट एन एमओयू बिटवीन, एंड दैट एमओयू आल्सो एमओयू बिटवीन यूपी गवर्नमेंट एंड द टीएसडीसी, देयर वाज वन सिंगल पीस ऑफ पेपर, मींस दैट टू थ्री पेपर्स, ओके, सो यू स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, वी नेवर हैड एनी एक्सपीरियंस, यू स्टार्टेड रादर फ्रॉम ग्राउंड जीरो, सो पीपल केम, जो सक्सेना साहब आए, मुकुल आए, विनोद जी आए, starting building up the papers, building up knowledge, building up the literature and all stuff, and you see today at least we have passed, we have a complete, yeah, office, and then land, the office got established, then
And land is also there. And probably people have been got a great knowledge about thermal. Very right. All that professionally has been by and large a very good and personal association, I tell you. Over a period of time when you are in association and that too in a successful and you are successful with the team, with the group you are working with. So a bond bhi develop ho jata hai. You develop a bond, which wo bond strong ho jata. That's why everybody is feeling very bad. At times it becomes very difficult to imagine a life without that bond. But still it's part of his life. Life has to move on, and so we have. And he also, of course, he will be, I mean, most sought after person over there. Wish him good luck. Yeah, thank you. And I wish good luck to we people also, because we'll be missing him, and we may be having some difficult moments. So, but we have to come out of all those and move on. Good luck. So, because let me request now, the man at moment means that our with the due permission from you sides, yourself, sir, your good self, that Parveen Saxena sir. His family is here, ये यहाँ पर है, मगर ये ऋषिकेश में रहेंगे, तो हम चाहेंगे भाई कि इस मौके पर pour your heart, यार अपना दिल की बात बोलो कि भाई कोई बात नहीं, let it remain down the memory lane, भाई कि आप कुछ भी चीज़ बताइए एक दो मिनट में, तो आज के दिन में, क्योंकि आप देखेंगे भाई कि भट्ट साहब के लिए, भट्ट साहब के साथ में इतनी आपकी लंबी आके भट्ट साहब के साथ में आपकी एसोसिएशन रही है हम तो सो सच अ लॉन्ग जर्नी इन दी ऑफिस मीन दैट इन मे बी जो यूजुअली 30 इयर्स का करियर होता है 22 साल आपके उसी उन्हीं के साथ तो आपके 5-6 महीने ही रहे तो आई फाउंड यू सच अ एक्सीलेंट पर्सन एसोसिएशन मतलब ऑफिस और डायरेक्टली वर्किंग टुगेदर कुछ बोलते थे एक जो जनरली बोलते हैं कि भाई यह साथ जिएंगे साथ मरेंगे ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी जब हम नीचे शाफ्ट में जाते थे And we are not really sure whether we will come back. Great. If I am not, I mean, wrong. Great. This was a thing. So almost, because a project ko commission karne ke liye there was no other option. So आपको ये assume करना पड़ता है बल्कि हम लोग बोलते थे कि भाई यार border पे भी तो officer बढ़ते हैं यार how does it matter? Sir, with your permission, from you, let me request now Saxena sir to say few words on this. तो चीजें स्केयरिंग होती थी तो पर ठीक है हैंडल हो गई ऊपर वाले ने भी साथ दिया विद द ब्लेसिंग्स थिंग्स केम आउट वी आल्सो केम आउट प्रोजेक्ट आल्सो केम आउट ऑफ दैट डिफिकल्ट पीरियड वेल देयर इट एम दैट सच अ बिग प्रोजेक्ट इज कमीशन ग्रेट हैड्स ऑफ टू यू पीपल एवरीबॉडी फॉर दैट मैटर सक्सेना साहब आप बताइए साहब ने अभी जो बताया था उसके लिए तो तहे दिल से बहुत सारा वर्ड्स में कहा बहुत सारा विदाउट वर्ड्स भी कहा नीचे मत कर वर्ड्स वाला भी लोगों ने सुना विदाउट वर्ड वाला मैंने सुना ये कंटिन्यूअसली कर रहे हैं ना रिकॉर्ड भैया जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा आगे भी अच्छा होगा एक्सीलेंट गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी गिव क्लैप्स गिव अ बिग हैंड फॉर सक्सेना साहब गिव अ बिग हैंड हां बस अब हाँ दिस इज द थिंग दैट यू बी सेइंग वी ऑल विश यू बेस्ट फॉर यू एंड योर फैमिली कीप स्माइलिंग कीप हैप्पी यू आर ऑलवेज इन अवर हार्ट्स एंड इन अवर माइंड्स एंड दी एज आई टोल्ड इन द मॉर्निंग यहाँ के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं हम चाहेंगे आप जल्द से जल्द वापस आ जाएं हाँ मुकुल जी क्योंकि मुकुल जी भी कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज यार जो इवेंट हम अवॉइड करना चाह रहे थे वो आपने बना ही दिया था नहीं नहीं वो जरूरी है हर एक एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट हाँ भाई मेरे भाई छोटे सबसे छोटे भाई बताओ यार दो बेस्ट विशेस ही तो कर लो यार क्या फर्क पड़ता है मिस तो करेंगे सर सबसे बढ़िया चीज सर मुझे तो बहुत अच्छी लगी तुम्हें देखी सॉफ्टनेस एंड पोलाइटनेस हाँ सर काफी नॉलेजेबल पर्सन है मिस तो करना ही है उन्हें आप कहाँ मिस करोगे अभी कहाँ मिस कर रहे हो
हाँ ये हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ये भी दो वर्ड बताएंगे हाँ सक्सेना साहब के लिए बताइए सर। बहुत अच्छा समय गुजरा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ राजवीर सिंह साहब आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे। मुझे तो सबसे अच्छी चीज लगी पोलाइटनेस और सॉफ्टनेस। एक्सीलेंट एक्सीलेंट ग्रेट 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 दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। नॉलेज में तो कोई जवाब नहीं। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम। या आई एग्री विद यू। आप तो बोल सकते हैं मान लीजिए। हां जी नेगी साहब आप तो आप दो दो शब्द बोलना चाहेंगे साहब के साथ। जो भी समय गुजरा सर बहुत ही अच्छा गुजरा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला साहब से। और हर समय मिस करते हैं करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि साहब दोबारा इस यूनिट में। हां जोशी जी बताइए साहब। सर मैं तो बोलूंगा पहले जो सब सुन ले एक बार। बताइए बताइए कैसे। मैंने दो चीजें सीखी सर आपसे। कैसे बिना शोर शराबे के बिना हो हल्ला मचाते हुए चुप रहते हुए अपनी बात को कैसे इफेक्टिवली बोलना ये सर मैंने इनसे सीखा। एक्सलेंट एक्सलेंट ग्रेट 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 ग्रेट। और दूसरा सर मैं जब इधर आया था तो मुझे सर ने थोड़ा बोला था कि हिंदी हमारी मातृभाषा यार उस पर भी कुछ तुम वर्क करो। मैं सर हेजिटेंट था लेकिन आज मैं ऐसी पोजीशन में हूँ। मैं सोचता रहता था सिर्फ इन्हीं की बदौलत सर आज मैं लिख भी पा रहा हूँ और मैं वो कर भी पा रहा हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। मैंने दो चीजें सीखी हैं। हाँ एक पे मैं सर अभी ओवरकम नहीं कर पाया हूँ कि कैसे चुप रहते हुए इफेक्टिवली अपनी बात को वो करना है बिना शोर मचाते हुए तो। बट वो बहुत इंस्पायरिंग है सर। बहुत बड़ा एसेट है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अच्छा कौशिक भी वहाँ पर है वो भी खा रहे हो तुम खा रहे हो क्या ब्रिजबाल कहाँ है। अच्छा चलो ठीक है दिस इज अवर ऑफिस। ब्लेस एवरीबडी ब्लेस ऋषिकेश ब्लेस TSDC ब्लेस द लीडर भट साहब एंड हिज फैमिली एंड सक्सेना साहब एंड एवरीबडी फॉर दैट मैटर। हेल्प के लिए वी विश हिम बेस्ट। थैंक यू।